और अब लौटते हैं देश की खबरों की तरफ। आरक्षण पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संसद में दिया गया बयान कार्रवाई में तब्दील हो रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने की कोशिश शुरू कर दी गई। केंद्र की मोदी सरकार का पिछले वर्ग के विकास पर पूरा जोर है। सरकार की ओर से ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे हर क्षेत्र में इस वर्ग के लोग अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी खाली पदों को भरने की कोशिश भी की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS कैटेगरी में खाली पड़े पदों को भरने के लिए कहा गया है। एक साल के भीतर इस काम को एक मिशन मोड के तहत किया जाना है। SC के लिए 2389 पद खाली हैं, ST के लिए 1199 पद और OBC के लिए 4251 पद खाली हैं। इसी को लेकर IIT रोपड़ ने पहले ही 11 विभागों में SC, ST, OBC, EWS श्रेणियों में फैकल्टी पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान का विज्ञापन दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में भी बयान दिया था कि PM मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार OBC, SC, ST और EWS सहित सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण नीति को सख्ती से लागू कर रही है। ये सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।